मटन खा के आ रहे हैं, चिकन खा के मटन खा करके आ रहे हैं, बट 12 बजे भी मटन चाहिए। 12 बजे भी मटन चाहिए। कभी कभी थोड़ा सा मजा है, बाहर का भी थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं हम लोग। काम सब कोई कुछ ना कुछ तो काम करता ही है, लेकिन चाचा भतीजा, चाचा तो पलटू है भतीजा। राजद क्यों? क्योंकि अभी तो तेजस्वी बहुत अच्छा काम कर रहा है, युवाओं को नौकरी भी दे रहा है, और आगे मुख्यमंत्री बनेगा तो और ज्यादा। सीएम बनेगा तो क्या होगा, दोनों तो एक ही रहेंगे ना, एक ही चाचा भतीजा तो एक ही है। नमस्कार, मैं हूँ निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए रात की रिपोर्ट में आपका स्वागत है। समय 12 बज रहे हैं और नौजवान हमें रोड पर जरूर मिल जाते हैं। यहाँ पे नौजवान लोग हैं, यंगस्टर हैं, सारे लोग हैं। बताइए कि आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ साकिब खान। साकिब खान, ये बताइए 12 बजे घूम रहे हैं, मटन खा के आ रहे हैं, चिकन खा के आ रहे हैं? मटन खा करके आ रहे हैं। 12 बजे भी मटन चाहिए? 12 बजे भी मटन चाहिए। करते क्या आप? हम है बिल्डर हैं। बिल्डर हैं? हाँ जी। एज आपका क्या हो रहा है? मतलब एज मेरा हो रहा है 27। 27 साल के? जी जी। शादी हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, ये नहीं हुआ। शादी नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं। कैसी लड़की से करना शादी? अगर क्योंकि देखिए 12 बजे, ये सब पर्सनल मैटर है, ये सब आप पर्सनल मैटर है। ये बताइए कि 12 बजे मटन खाने का अलग मजा है? हाँ, एकदम मजा है बाहर में। बाहर में? जी जी। चलिए आप बताइए आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गोविंद हुआ। गोविंद हुआ, ये बताइए 12 बजे आपके साथी तो मटन खा के आ रहे हैं आप? मैं भी मटन ही खाने आया हूँ, सब फ्रेंड लोग आया तो सोचा हम। मजा कितना आता है 12 बजे घूमने में फिरने में, ये बताइए। एक्चुअली क्या है कि फ्रेंड लोग में साथ में रहते हैं तो मजा ही आता है। ऐसा तो नहीं है कि फ्रेंडशिप ऐसा चलता है हम लोग का। चलिए आप बताइए आपका नाम क्या हुआ? विशाल सिंह। विशाल सिंह, साथी पूरा बोल रहे हैं कि 27 साल के हैं, बिल्डर हैं, शादी के बारे में पूछे तो बता ही नहीं रहा है, शर्मा रहे हैं थोड़ा सा अभी। शर्मा रहे थोड़ा। आप बताइए आप क्या करते हैं? हमारा भी बिजनेस है अपना। बिजनेस है अपना, तो 12 बजे मुझे लग रहा है कि घर पर ना खा के मटन खा के अलग मजा। कभी कभी थोड़ा सा मजा है, बाहर का भी थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं हम लोग कभी कभी, बाहर का मजा। अभी बताइए कि अगर मान लीजिए देखा जाए, आप लोग यंगस्टर हैं, आप लोग वोट किसको देते हैं? अभी तो जिसका काम अच्छा रहेगा उसको वोट देंगे। आपके हिसाब से अभी काम किसका अच्छा, चाचा का, भतीजा का या भाजपा का? अभी तो भाजपा का ही सही। भाजपा का, मतलब बिहार में बहुत कम लोग बोलते हैं कि, मतलब सारे लोग बोलते हैं कि चाचा नहीं तो भतीजा, भाजपा से लोग बोलते हैं कि केंद्र। अभी तो खास कोई असर पड़ नहीं रहा है इन लोग के, इसलिए अभी तो भाजपा ही चाहिए। भाजपा से क्या चाहिए, मतलब भाजपा का अगर सरकार बनता है यहाँ पे तो क्या चाहिए उससे? बस जो भी बने, डेवलपमेंट चाहिए उससे किसी का। हाँ, पटना में डेवलपमेंट आपको क्या चाहिए? चलिए पटना के नागरिक हैं, यहीं के रहने वाले, क्या चाहिए पटना में? यहाँ का डेवलपमेंट हो, क्राइम रेट में थी, वो भी क्राइम रेट जो है काफी बढ़ गया है। रात में 12 बजे घूमते तो डर लगता है कि नहीं? थोड़ा बहुत तो लगता होगा। थोड़ा बहुत लगता ही है आदमी को। हाँ। अंधेरे में अगर कहीं गए तो कुछ इस टाइप का बहुत सारा। आप बताइए, आपका तो मुझे लग रहा है कि स्टॉल है, स्टॉल वाला हम लोग मिले ही थे आपसे। ये बताइए कि रात के 12 बजे आप घूम रहे हैं, मटन खा रहे हैं? हाँ, तो मटन खाने बचपन का सब दोस्त था, सबको प्लान बनाए थे, तो यही समर 19 में आए मटन। मटन मस्त, मटन रहा है यहाँ का, अच्छा लगता है। तो हम लोग पूरा कंकड़बाग से यहाँ आए, कंकड़बाग से आए यहाँ खाने के लिए। और ये बताइए कि 12 बजे क्या माहौल रहता है पटना का? माहौल ठीक रहता है पटना का, माहौल ठीक रहता है। हाँ, आप किसको वोट देते हैं? हम बीजेपी। बीजेपी? आप भी? आप भी बीजेपी? क्यों, कारण होगा? बीजेपी तो यूथ है एक, मतलब अंदर से लगता है कि बीजेपी को केंद्र में रखना चाहिए, यहाँ यहाँ भी रखना चाहिए, केंद्र में भी रखना चाहिए। हाँ। कारण बहुत अच्छा है या क्या? चाचा भतीजा काम नहीं कर रहे हैं? काम सब कोई कुछ ना कुछ तो काम करता ही है, लेकिन चाचा भतीजा, चाचा तो पलटू है। हाँ। भतीजा, चलिए पलटू बोलिए। आप बताइए आपका नाम क्या है? सब लोग मटन खा के निकले, आप बताइए, आप मटन आप भी खा के निकले हैं? हाँ, सब भाई लोग साथ ही में हैं। तो आप बताइए कि 12 बजे घूमने के बाद कैसा लगता है पटना में? अच्छा, क्योंकि बहुत लोग अभी सो रहे होंगे। हाँ, होता है, अब यूथ है, अभी थोड़ा सा चिल कर। आप किसको वोट देते? चलिए देखिए, बीजेपी। आप भी बीजेपी? आप राजद हैं कि आप भी बीजेपी हैं? मैं तो राजद हूँ भाई। आप राजद? आप? हम भी राजद हूँ। राजद है, लेकिन दो राजद, तीन भाजपा। राजद क्यों? राजद क्यों? क्योंकि अभी तो तेजस्वी बहुत अच्छा काम कर रहा है, युवाओं को नौकरी भी दे रहा है, और आगे मुख्यमंत्री बनेगा तो और ज्यादा काम करेंगे वो। चलिए, मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं आप? हम, मैं भी राजद के देता हूँ। चाचा को पलटू बोल रहे हैं? देखिए, अभी तो चाचा भतीजा दोनों साथ में ही है, पलट जाएंगे तो? पलट जाएंगे कैसे? अभी तो पलट जाएंगे तो भाजपा रखेगा कि नहीं रखेगा? भाजपा जाना ही नहीं हो, जाएंगे नहीं, वो नहीं है, वो तो जाएंगे नहीं। सीएम तो सब लोग अब चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को बनाए। सीएम बनेगा तो क्या होगा, दोनों तो एक ही रहेंगे ना, दोनों एक ही, चाचा भतीजा तो एक ही है, दोनों एक ही है। आप बताइए, अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते तो आप लोग तो निराश हो जाएंगे? निराश क्या होंगे, हम लोग चाहते हैं चिराग पासवान सीएम बने। आप चिराग पासवान चाहते हैं? आप भाजपा बोले थे, आप किसको चाहते हैं? आप भी चिराग पासवान या किसी और को? उसी को, चिराग पासवान को। चलिए देखिए, रात के 12 बज रहे थे और हम सड़क पर थे, देखिए पाटलिपुत्र में हम मौजूद थे और नौजवान मिले, हम यंगस्टर मिले और हमने सोचा कि क्या कर रहे हैं वो पूछ लेते, तो साफ कह रहे हैं कि देखिए 12 बज रहा था, हम सोचे कि कंकड़बाग से पाटलिपुत्र आ जाएं और यहाँ पे मटन खा ले। देखिए मटन तो वो लोग खा लिए, लेकिन उसके बाद हम पूछे कि वोट किसको देते, चाचा भतीजा को या भाजपा को, क्या कुछ कहना था यंगस्टर का मटन खाने के बाद रात में देर रात 12 बजे, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर को लाइक करें, धन्यवाद।